नहीं नहीं देश तो 47 में आजाद हुआ है, लेकिन हमारी कौम 2014 के बाद आजाद होती हुई हमें नजर आ रही है। हर जगह हमें नजरअंदाज किया जाता था, गुजरी में हम जड़ा हम नजरअंदाज करे था। सियासी लीडर एक घिरी कौम समझी था, जेड़े मोदी सरकार आई थी इसमें याद देखो सब तो बड़ो काम हुआ के हमारी कौम पर नजर रखी हमेशा नरेंद्र मोदी ने के या कौम एक गरीब कौम थी या एक गरीब कौम थी या एक ड्राइव कौम थी। पहला रिजर्व कर छुड़ी एसटीडीसी, फिर हमारा गुलाम अली खटाना साहब जो एमपी है इसका पार्लियामेंट मेंबर ही बगैर राज्यसभा बगैर हमने क्या ख्याल रखना है हर चीज का मतलब पहले ना नफरत मारा कुछ खत्म हो गया ना जो तो पहले देखा थे हर चीज को हमने डर रहा था खुल गया हम जा ही नहीं सकते किधर उस तो बाद जो तो बाद हम आज किधर भी जाएंगे हमने समझ ये नहीं कोई कहते गुजरे हमने जेडी जितनी भी स्कीम आई उनको फायदो हमारे थोड़ी पहुंच गोल्डन कार्ड है इस तरह बहुत सारी स्कीम मकान हर किसी ने मिले हुए ना पहला किधर साल में दो मकान आई था वे भी चोरी हो जीता ऊपर खा जी था ना हमारे थोड़ी वे भी नहीं पहुंचे बेचा आज तो बाद हमें ख्याल रखना जिस तरह आज हम जुड़े हैं इंशाल्लाह भारी अक्सरियत ना हम भारतीय जनता पार्टी ने कामयाब करेगा और अगर जनता ने जितना काम आज थोड़ी किया तो बहुत सही किया भारतीय जनता पार्टी ने अगर करती रहेगी इस तुम्हें ज्यादा काम करती रहेगी अगर अपने आप किया कामयाब करनी है भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया।